तो दोस्तों फाइनली रॉयल इनफील्ड की मीटर 350 आज ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। दिस टाइम द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज टू गुड फ्रॉम रॉयल इनफील्ड, क्योंकि इनका लॉन्च डेट पहले भी एक बार डिले हो चुका है, उसके बाद से लगातार इसके लीकेज आ रहे थे फोटो और स्पेक्स वगैरह। वैसे तो हालांकि दो तीन दिन पहले भी इसके पूरा जो अभी न्यू जो लॉन्च हुआ है उसका वीडियो भी आ गया पूरे बाइक का। तो इसकी आज की इस वीडियो में हम इसके मेन मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को इसका सारा डिटेल्स पहले से पता चल गया होगा, तो इसलिए मैं मेन मेन पॉइंट को ही इसमें बताऊँगा। तो वैसे तो इस बार इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतना बेस्ट किया है कि मीटियोर 350 आई थिंक सबको पता हो गया कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 लॉन्च कर रही है। इतना तो पहले किसी और बाइक में भी मार्केटिंग इसका नहीं हुआ था जितना इसको लेके, और होना भी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि पहले के रॉयल एनफील्ड के बाइकों में से किसी में नहीं था ये। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, मैं इसमें रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के सारे वेरिएंट के प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें 349cc का सिंगल सिलेंडर HOSC 2-valve एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड काउंटर बैलेंस इंजन के साथ ये बाइक लॉन्च हो गई है। 5-speed गियरबॉक्स इसमें दिया गया है। पावर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो 6100 RPM पे 20.4 PS का पावर मिल जाएगा और 4000 RPM पे 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में 300mm का डिस्क और रियर में 270mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा। ये बाइक सिल्वर प्लस के साथ आती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगा और साथ ही साथ माइलेज की बात करें तो 32 से 35 किलोमीटर पर लीटर का आपको इसमें माइलेज देखने को मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को थंडरबोल्ट के जगह पर रिप्लेस किया गया है। अगर मीटियोर 350 और थंडरबोल्ट का लुक देखा जाए तो लुक में ज़्यादा फर्क आपको देखने को ना मिलेगा, थोड़ा बहुत फर्क है। और इसके जो फीचर्स हैं वो थंडरबोल्ट से काफ़ी ज़्यादा न्यू अलग अलग फीचर इसमें ऐड किए गए हैं। थंडरबोल्ट से इसका जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है वो भी कम है और जो सीट हाइट है वो भी कम है और काफ़ी सीट हाइट कंफर्टेबल बनाया गया, सीट हाइट थोड़ा लो भी बनाया गया इस बार। तो मीटियोर 350 में आपको 76mm का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में एक खास बात है जो कि रॉयल एनफील्ड में किसी और बाइक में नहीं है, इसमें आपको ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है जो आपको मोबाइल से कनेक्ट होके आपके स्क्रीन पे जो कंसोल है बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि ये मीटियोर 350 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है। मीटियोर 350 में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, फायरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा। बेस मॉडल होगा फायरबॉल, मिड मॉडल होगा स्टेलर और टॉप मॉडल होगा सुपरनोवा। इसमें 7 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड क्वांटिटी अभी बढ़ा रही है क्योंकि आने वाले टाइम में 650cc में भी आपको न्यू रॉयल एनफील्ड के मॉडल देखने को मिल जाएंगे और क्वालिटी भी उनका ऐसे भी कोई ख़राब नहीं, क्वालिटी वाइज भी बाइक बहुत तगड़ी रहती है। इस बाइक में आपको 3 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है और 1 ईयर की आपको रोड साइड असिस्टेंट भी मिल जाती है। फायरबॉल वेरिएंट में आपको ब्लैकआउट थीम विद कलर कोटेड फ्यूल टैंक पे देखने को मिल जाता है और रिम पे भी आपको स्टिकर भी देखने को मिल जाता है। पेट्रोल टैंक पे रॉयल एनफील्ड एम्बुशन टाइप में बना हुआ है और साइड पैनल पे आपको सिंपल 3D स्टिकर देखने को मिल जाता है। स्टेरल फायरबॉल से मोर प्रैक्टिकल लगता है, इसका जो बैकरेस्ट कुशनिंग वो काफी अच्छा होने वाला है और इसका जो एग्जॉस्ट है वो क्रोम फिनिशिंग में बनाया गया है। राइडर का सीट काफी ब्रॉड है और जो इसका फुट वो काफी फ्रंट में होने वाला है। रॉयल एनफील्ड की बाइक में वाइब्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था पर इस बार कंपनी बता रही है कि इसमें न्यू इंजन के साथ पूरा वर्क किया गया है, ट्यूनिंग इसके इंजन में ज्यादा किया गया है जिसमें आपको इसमें वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। रॉयल एनफील्ड ने एक ऐप लॉन्च किया है मेक इट योर, वहाँ से आप अपने बाइक को ऑनलाइन मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई किया हुआ बाइक आपको डिलीवरी कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। तो ये भी एक काफ़ी कमाल का फीचर रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया है जहाँ से आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है और अपने हिसाब से आप अपने बाइक को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको आफ्टर मार्केट कहीं पर जाके चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही सारा चीज़ कर सकते हैं, जो भी आपको चेंज अच्छा लगेगा आप वहाँ से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, जो इसका पेट्रोल टैंक है उसके ऊपर भी आप अपने नेम टैग भी करवा सकते हैं मॉडिफाई। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, आपको जो भी टैग पसंद है नाम वगैरह का आप उसके पेट्रोल टैंक पे करवा सकते हैं। मीटियोर 350 का टॉप मॉडल सुपरनोवा जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे काफ़ी बड़ा विंडशील आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीमियम सीट क्वालिटी देखने को मिल जाता है, डुअल टोन कलर वेरियंट देखने को भी इसमें मिल जाता है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल ट्विन पोर्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड में ही आपको USB पोर्ट चार्जिंग का देखने को मिल जाता है जहां से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर इसमें दिया गया है। फ्रंट सस्पेंशन 41mm का होने वाला और रियर में आपको प्रीलोड एडजस्टेबल शॉक ऑब्जर्वर को लगाया गया जो कि 6x एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 19 inches के अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है और रियर में 17 inches के अलॉय व्हील देखने को मिल जाए। टायर साइजेस की बात करें तो फ्रंट में 100 और रियर में 140 का टायर साइज आपको देखने को मिल जाएगा और ये टायर ट्यूबलेस टायर होने वाले हैं। इस बाइक में
आपको कैटलेटिक कन्वर्टर भी मिल जाता है और साइड स्टैंड सेंसर भी देखने को मिल जाता है। लाइटिंग की बात करें तो मीटो 350 में आपको फ्रंट में हेलोजन लाइट देखने को मिल जाएगा और राउंड शेप में रिंग टाइप का आपको डीआरआर भी देखने को मिल जाता है। टेल लैंप भी राउंड शेप और लुक देता है इस बाइक को। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा और कार्ब वेट 191 केजी का होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस की। फायरवॉल का प्राइस 175,825 रुपए होने वाला है, स्टेलर का प्राइस 181,342 रुपए होने वाला है और सुपर नोवा का प्राइस 190,536 रुपए होने वाला है। और ये सारे प्राइस चेन्नई के एक्सोरूम प्राइस है और ये सारे जो प्राइस है होंडा हाइनेस से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम प्राइस में है, जो कि काफ़ी बजट वाले बाइक ये साबित हो सकता है। तो ये थे मीटो 350 के कुछ इन्फॉर्मेशन। हालांकि मैंने इसको शॉर्ट में बताया है, फुल डिटेल्स जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले से पता होगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बनाया है वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।